हेलो गाइज, सलमान खान। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान आज भले ही स्टारडम में और फैन फॉलोइंग में नंबर वन स्थान पे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के, लेकिन शाहरुख खान आज भी बॉलीवुड के किंग खान हैं। क्योंकि आपको बता दूं भाई कि शाहरुख खान जब 90 में वो उन्होंने सुपरस्टार का खिताब जीता था और आज तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में हैं और उनकी भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है दोस्तों। मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूँ, आज तीनों खान के ऊपर बात करूँगा दोस्तों, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। देखो आज सलमान खान का जो मेगा स्टार पावर है वो बहुत ज़्यादा है और सलमान खान के कंपेयर में हम शाहरुख खान, आमिर खान को नहीं बोल सकते, लेकिन एक रिकॉर्ड शाहरुख खान के नाम पे है और वो जो आज भी कायम है दोस्तों। ये दो खान ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। भले ही आज सलमान खान का लेवल अलग हो, लेकिन आज भी एक पॉइंट से पीछे हैं सलमान खान शाहरुख खान से दोस्तों। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1988 से लेके 2020, जी हाँ दोस्तों, 1988 से लेके 2020 तक का मैं आपको बताऊंगा कि सबसे हाईएस्ट ग्रोसर मूवी, यहाँ साल में सबसे ज़्यादा कमाई देने वाली मूवी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो आपको बता दूँ कि शाहरुख खान के पास 9 फिल्में हैं दोस्तों, जो कि साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में बनी है 2020 तक का बता रहा हूँ मैं, और 1988 से लेके। और सलमान खान के पास है सिर्फ 8 फिल्में, एक पॉइंट से पीछे हैं, और आमिर खान की है 6 फिल्में। तो भाई आज भी शाहरुख खान एक अलग रिकॉर्ड बना के बैठे हैं इंडस्ट्रीज में दोस्तों। देखो दा भाई, अभी सलमान खान की हम कंपेयर करेंगे शाहरुख खान से, आमिर खान से, तो कहना गलत नहीं है कि ये इंसल्ट है सलमान खान की। क्योंकि सलमान खान यार आज के लेवल का बंदा बोले तो आजकल का स्टारडम का लेवल का जो उनका स्टारडम है, मेरे को नहीं लगता कि उसका स्टारडम कोई बना पाए। खैर छोड़ो, एक मूवी से पीछे हैं, वो भी ये पूरी हो जाएगी। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि शाहरुख खान, किंग खान अपनी जगह सही हैं, सलमान खान तो हैं ही अपनी जगह सही, आमिर खान भी अपनी जगह सही हैं। तो बस भाई इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन जरूर दबाना। ओके बाय।